ये हमारे विकास को भी उतना ही गुना उतनी तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य करती है। आज गोरखपुर में हरेक ओर विकास के बारे में व्यक्ति के मन में एक नई धारणा पैदा हुई है। हर व्यक्ति विकास के बारे में अब चर्चा करता है, विकास के बारे में नई सोच एक नए गोरखपुर को, एक नए उत्तर प्रदेश को, एक नए भारत को देश और दुनिया के सामने रखने का प्रयास है। और ये विकास की सोच वायु सेवा के साथ जब लोगों का जुड़ाव हुआ है, जो लोग पहले यहां से बेंगलुरु में, मुंबई में जाके निवेश करते थे, आज उनके मन में आया कि नहीं, अभी निवेश हम लोग गोरखपुर में करेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में करेंगे, रोजगार वहां सृजन करेंगे। आज ढेर सारा विकास का जो कार्य दिखाई दे रहा है, ये विकास के कार्य के साथ उस सकारात्मक सोच का परिणाम है। और उस सकारात्मक सोच इस जिससे हम लोग आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। यहां पर जो सिविल टर्मिनल है, इसके विस्तारीकरण के कार्य का यहां पर आज ये कार्य संपन्न हुआ है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब इस टर्मिनल बिल्डिंग में, नई टर्मिनल बिल्डिंग बनने के साथ यहां पे एक समय में 200 यात्री एक साथ बैठने की क्षमता यहां पर हो जाएगी। और ये इसलिए क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब उड़ान योजना प्रारंभ हुई थी कि उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है, एक सामान्य नागरिक भी जिसे हमें मानते थे कि हवाई चप्पल पहना है तो हवाई जहाज की यात्रा नहीं करेगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, उड़ान योजना का उद्देश्य ही होगा कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है। और आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जो वायु सेवा ही प्रारंभ हो रही है, अनुमान करिए गोरखपुर से लखनऊ का कुल किराया उसका 1500 के आसपास पड़ेगा। और अगर आप अपनी कार से ही लखनऊ जाएंगे तो आने जाने में कार में 700-800 रुपए तो केवल टोल का देना पड़ता है। और यहां पर केवल भाई ठीक है, रवि किशन जी की बात छोड़ दीजिए, वे सांसद के नाते टोल नहीं देते होंगे। लेकिन सामान्यतः आप अनुमान करिए कि 1500 रुपए में लखनऊ गोरखपुर की दूरी तय होना, यह प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को साकार करता है जो उन्होंने कहा था आज से 3 साल पहले कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी वायु सेवा कर सकता, हवाई यात्रा कर सकता है। और यह आज हरेक क्षेत्र में जो विस्तार हुआ है, कितनी वायु सेवा है, आज से गोरखपुर से 4 साल पहले केवल एक विमान सेवा थी गोरखपुर दिल्ली के बीच में, आज तो गोरखपुर मुंबई से भी जुड़ चुका है, बेंगलोर से जुड़ चुका है, हैदराबाद से जुड़ चुका है, कलकत्ता से जुड़ चुका है, और भी नई सेवाएं जुड़े, आज लखनऊ से जुड़ रहा है, फिर अहमदाबाद के साथ जुड़ने वाला है। यहां पर जो यात्रियों का लोड है, यात्रियों की संख्या है, उस यात्रियों की संख्या को ध्यान में रख करके एक प्रयास हुआ कि इसका विस्तारीकरण होना चाहिए।